नमस्कार दोस्तों, पिछले लेसन में अपुन ने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को अपुन ने क्या देखा, पिछले जो चैप्टर अपुन ने पढ़ा था उसमें अपुन ने राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके अपुन चर्चा कर रहे थे। उसमें से राजस्थान की स्थिति को अपुन ने प्रॉपर ढंग से कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। क्या कर लिया था? प्रॉपर ढंग से कंप्लीट कर लिया था। राजस्थान के जो भूगोल है ना, उसमें चैप्टर स्थिति और विस्तार, उसको अपुन ने फर्स्ट लेसन में देखा तो उसमें स्थिति को अपुन ने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद में बचता है विस्तार, तो उस विस्तार को आज अपुन पढ़ेंगे दोस्तों। तो राजस्थान की स्थिति वह विस्तार, तो ये वाली बात तो अपने पहले क्लियर कर ली थी, ये वाली बात तो अपन पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में। अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो ये वाला है। तो राजस्थान का विस्तार है उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। राजस्थान के विस्तार में अपन पढ़ने वाले हैं एक तो राजस्थान की आकृति कैसी है, यह चीज अपन जानेंगे। एक राजस्थान का क्षेत्रफल जानेंगे और एक राजस्थान की सीमा को जानेंगे कि राजस्थान में कितने सीमावर्ती जिले, तो कितने हैं दोस्तों, 25 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती है। 25 जिले सीमावर्ती जिले हैं, 25 जिले सीमावर्ती है दोस्तों। कितने जिले? 25 जिले। अब सबसे पहले जो अपन उठाने वाले हैं दोस्तों वो है राजस्थान की आकृति। क्या है? राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान की जो आकृति है दोस्तों वो है पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। ये शायद लगभग सबको पता होगा, लेकिन इसके बाद में आगे चलने पे अपने को पता चलता है कि राजस्थान की जो आकृति है वो रोम्बस के समान भी है। कैसी है? रोम्बस के समान। राजस्थान के आकृति को रोम्बस जो नाम है वो भूगोल वेता TH हैंडले के द्वारा दिया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? TH हैंडले के द्वारा। तो राजस्थान की आकृति को अपन पतंगाकार क्यों बोलते हैं? पतंगाकार इसलिए बोलते हैं। अब राजस्थान की आकृति को अपन कंप्लीट करते हैं। राजस्थान की आकृति का एक तो नाम है पतंगाकार। एक दूसरा जो नाम दिया जाता है इस आकृति को वो दिया जाता है क्या दोस्तों? विषमकोणीय चतुर्भुज। और एक जो या इसको अपन बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। ये जो नामकरण है दोस्तों ये भूगोल वेता टी एच हैंडले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? TH हैंडले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, को ये पूछा जाएगा, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इसके चांसेस पूछा जा सकता है लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। विषमकोणीय चतुर्भुज के भी चांसेस बहुत कम है। ऑप्शन में जिस लैंग्वेज का आने का ज्यादा चांसेस है वो है रोम्बस। राजस्थान की आकृति कैसी है? रोम्बस के समान। ये नाम किसने दिया? TH हैंडले के द्वारा दिया गया। इतना बात कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद में इसको पतंगाकार समझने के लिए अपन राजस्थान का एक छोटा सा मैप यहां ड्रॉ करेंगे, कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों राजस्थान की आकृति। ये क्या है? राजस्थान की आकृति। क्या है? राजस्थान की आकृति ऐसी है लगभग। तो ये पतंग के समान दिखती है नहीं दिखती है? विषमकोणीय चतुर्भुज के समान दिखती है नहीं दिखती है? विषमकोणीय चतुर्भुज को ही रोम्बस बोला जाता है, इसीलिए तीनों नामकरण यहां से ही निकल के आए हैं। कहां से निकल के आए हैं? यहां से ही निकल के आए हैं। रोम्बस जो नाम है वो TH हैंडले के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? TH हैंडले के द्वारा।
दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आकृति से रिलेटेड बातें अपनी कंप्लीट हो चुकी है, इससे यही यही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से। अब जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे क्षेत्रफल के बारे में, फिर उसके बाद में करेंगे सीमा रेखाओं के बारे में कि राजस्थान की सीमा कौन कौन से जिलों कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राष्ट्र कौन सा है, राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है, तो वो आप सबको पता होगा दोस्तों पाकिस्तान है, 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, तो इसके बारे में भी अपन अलग से पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे वो क्षेत्रफल पे करेंगे, आकृति आकृति से जो क्वेश्चन आते हैं यही आते हैं, इनके बाद आज तक ना कोई क्वेश्चन आया है और ना ही कोई आएगा दोस्तों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं, हम राजस्थान के क्षेत्रफल की, किसकी, राजस्थान के क्षेत्रफल की किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना दोस्तों वो है 342,239 वर्ग किलोमीटर, क्या है दोस्तों 342,239 वर्ग किलोमीटर। अब ये बात तो अपनी कंप्लीट हो गई दोस्तों, अब आगे चलने के बाद में कि राजस्थान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो वह है दोस्तों पहला स्थान, कौन सा पहला स्थान। एक चीज ये कंप्लीट हो गई, एक तो ये हो गई अपनी कंप्लीट, एक ये हो गई अपनी कंप्लीट। अब इसके बाद में पहला स्थान, तो आपके मन में जो काफी दिनों से साल दो साल से पढ़ रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि राजस्थान का पहला स्थान है, राजस्थान का पहला स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कब से चला आ रहा है, और राजस्थान मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य सबसे बड़ा कब बना, तो वो बना दोस्तों नवंबर 2000 को, कब बना नवंबर 2000 को राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, कैसे बना, एमपी से, किससे, एमपी से पृथक हुआ जब छत्तीसगढ़, एमपी से पृथक हुआ छत्तीसगढ़, तो उसके बाद में जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पे आ गया। तो आज क्षेत्रफल की दृष्टि से आज दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में पहला स्थान रखता है, और ये कब से रख रहा है, नवंबर 2000 से, जब एमपी यानी मध्य प्रदेश से पृथक हुआ छत्तीसगढ़, तो तभी से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पे आ गया इंडिया में। इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाइयों। अब राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना 342,239 वर्ग किलोमीटर, वो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग कवर करता है दोस्तों, कितना 10.41% भाग, ये देश के कुल क्षेत्रफल का, देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% भूभाग कवर करता है, भूभाग यानी भूमि धरातल, ठीक है। तो ये देश का राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41%। अब आगे है ना क्षेत्रफल में अपन बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे छोटे जिले, तो एक बार दोस्तों मैं इसको रद्द कर देता हूं, ठीक है।
राजस्थान का दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर है। और जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? धौलपुर है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपने देख लिया और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपने देख लिया। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछा जा सकता है लेकिन बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा दोस्तों, बाकी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अब अगर क्वेश्चन क्षेत्रफल से अगर पुट्टा होगा तो वो कहां से होगा दोस्तों, आइए उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, केवल एक बड़ा जिला नहीं पढ़ना है अपने को, अपने को कम से कम चार बड़े जिले पता होना चाहिए। ऑप्शन में घुमा फिरा के कैसे भी दे दे, अगर ऑप्शन में जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है वो आए नहीं और उसकी जगह उससे छोटा वाला जिला दे दे तो क्या आप उस क्वेश्चन को फिर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो आज तक याद ही केवल जैसलमेर किया है। तो आइए दोस्तों अब अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के चार बड़े जिले और चार छोटे जिलों को जानते हैं, ठीक है। तो चार बड़े जिलों के लिए मैंने एक शानदार ट्रिक बनाई है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, क्षेत्रफल की, ये एरो का साइन बड़े को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। तो जे बी बी जे और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के छोटे जिले, छोटे जिले। तो इसकी ट्रिक होगी डी 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 पी। आजकल आप डीपी बहुत लगा रहे हो दोस्तों, क्या कर रहे हो? डीपी बहुत लगा रहे हो। तो डी 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 पी ये राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले हैं दोस्तों, और ये राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े चार जिले हैं दोस्तों, जे बी बी जे। अब इनको अपन समझ लेते हैं कि जे का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, फिर उससे अगले वाले बी का मतलब क्या है और जे का मतलब क्या है। तो इस जे से तो बनता है दोस्तों जैसलमेर, इस जे से क्या बनता है? जैसलमेर। क्या बनता है दोस्तों? जैसलमेर। जैसलमेर यही है ना दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। फिर इस बी से बाड़मेर, फिर इस बी से बीकानेर, और फिर इस जैसे, इस जैसे जोधपुर। देखो कितनी शानदार ट्रिक है दोस्तों, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरे को तो भाई बहुत मजा आ रहा है। देखो जे बी बी जे, जे से जैसलमेर, बी से बाड़मेर, फिर इस बी से बीकानेर, फिर इस जे से जोधपुर। अब अगर आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित जिलों में से, निम्नलिखित जिलों में से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अगर वहां पे ऑप्शन में अगर जैसलमेर ना दे और दे दे कि बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और एक और ऑप्शन डाल दे या इनमें से कोई नहीं, निम्नलिखित की बात कर रहा है तो बाड़मेर अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। अगर आपको ये ट्रिक पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को सही कर दोगे दोस्तों। क्या कर दोगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, फिर उसके बाद में बाड़मेर है, फिर उसके बाद में बीकानेर है, फिर उसके बाद में जोधपुर है। अब अपने को केवल इतना और जानना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वो है दोस्तों 38,401 वर्ग किमी, यानी वर्ग किलोमीटर। इस किलोमीटर को आप किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। अब बात करिए डी 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 पी, ये राजस्थान के सबसे छोटे चार जिले हैं क्रम वाइज, ठीक है। तो इस डी से तो धौलपुर, इस डी से तो धौलपुर, इस डी से दौसा, इस डी से डूंगरपुर,
और इस वाले पी से प्रतापगढ़। देख लो कितनी प्यारी ट्रिक है दोस्तों, कितना आसानी से समझ में आ रहा है दोस्तों कि धौलपुर दोस्तों डोंगरपुर प्रतापगढ़ सबसे छोटा जिला धौलपुर, फिर धौलपुर के बाद में सबसे छोटा जिला दोस्ता, फिर दोस्ता के बाद में सबसे छोटा जिला डूंगरपुर, फिर डूंगरपुर के बाद में सबसे छोटा जिला प्रतापगढ़। अब धौलपुर का क्षेत्रफल, ये सबसे छोटा जिला है ना, तो इसके अपन आंकड़े याद कर लेते हैं दोस्तों। धौलपुर सबसे छोटा जिला है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 3034 वर्ग किलोमीटर, 3034 वर्ग किलोमीटर। तो अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों ये चैप्टर, कितनी शानदार ट्रिक अपने अप्लाई की। इसी के साथ अपना जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब सीमावर्ती जो जिले हैं इनको अपन अलग से ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से अगले वाले लेसन में कंप्लीट करेंगे दोस्तों, कि राजस्थान के जो 25 सीमावर्ती जिले हैं उनको किस हिसाब से अपन को जानना है, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में ट्रिक से सारा समझ लेंगे कि कौन से राज्य के साथ कितने जिले टच कर रहे हैं, कौन से राज्य के साथ कितने जिले टच कर रहे हैं, और कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, कौन से केवल अंतरराज्य बनाते हैं, और कौन से केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, तो इनकी भी अपने पास एक शानदार ट्रिक है, उसके बाद में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। अगर मेरा ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए आप, और अगर चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।